नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम बनाएंगे काइट, वो भी प्रोटेक्टर और सेट स्क्वायर की मदद से। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। दोस्तों, इस सेट स्क्वायर को हम इस तरह से रख देंगे, थोड़ा सा क्रॉस, सीधा नहीं रखना है, क्रॉस ना रखना है, कुछ इस तरह से रखेंगे और इसको मार्क कर लेंगे ऐसे। ऐसे दोनों तरफ भी ऐसा ही करना है, अभी इस तरफ भी ऐसा ही कर लेंगे। इस तरह से तो इसको इस तरह से रखेंगे, लाइन को लाइन मैच करनी है। ऐसे और ये थोड़ा सा उसका कोना बना बना लेंगे। इसको भी ऐसे इसको थोड़ा आगे रखना है, ये छेद इसका जो ट्रायंगल है वो यहां तक आना चाहिए। ऐसे और इसको ऐसे ओके। अभी सेट स्क्वायर को यहाँ रखते हैं कुछ इस तरह से, या थोड़ा डिस्टेंस छोड़ना है और एक समान छोड़ना है वो ऐसे। इस लाइन से थोड़ा सा दूर रखना है और यहाँ इतना डिस्टेंस छोड़ देना है, एक समान छोड़ना है। ऐसे और दूसरी तरफ भी ऐसा ही करना है। अभी इसकी आंखें तैयार है, सिर्फ इसमें राउंड सर्कल डालना है। अभी इसका नोज बना लेंगे, तो इसको ऐसा रखेंगे, बीच में आना चाहिए, सेंटर में इसका पॉइंट यहाँ आना चाहिए, इस लाइन को, बीच की लाइन को, ताकि बैलेंस में रहेगा। इसे हम इसकी नोज बना लेंगे, आसान है ऐसे। अभी स्केल की मदद से इसको राउंड शेप देंगे, ओके। अभी इसका या से मुंह बन जाएगा उसका, ऐसा स्माइली दिखेगा वो, कैट ऐसी स्माइली दिखेगी ओके। अभी इसकी जो आईज है, उसकी आंखें है, उसमें ऐसा सर्कल बना लेंगे बीचों बीच, बीच में रखना एकदम, और इस पॉइंट को
मैच करना है थोड़ा, और दूसरी तरफ भी ऐसा ही करना है हमको, कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी हम इसके आईब्रो बना लेंगे, ऐसा रखेंगे थोड़ा, ऐसे दूसरी तरफ भी ऐसा ही बनाना है। अभी इसके तीत बनाते हैं, ये लाइन मैच कर देंगे इस लाइन से, ऐसे मैच कर देंगे, ऐसे, और ऐसे। अभी हम बीच का हिस्सा यहाँ इरेज कर देंगे, कुछ इस तरह से इरेज करना है, और यह भी इरेज करना है। ऐसे, और इस नोज को भी बीच का हिस्सा इरेज कर देंगे। ऐसे अभी हमारी काइट कंप्लीट है। अब हम इसको थोड़ी सी टेल बनाएंगे यहाँ, इसी टूल की मदद से बनाएंगे। ऐसे, और सबको यहाँ और यहाँ ऐसे बनानी है। अभी हम बर्ड्स का डिजाइन बनाएंगे। यहाँ मैंने सर्कल करके रखा है, उसको ही थोड़ा डार्क कर देता हूँ। कुछ मीडियम साइज का लेना है, बड़ा नहीं लेना है। और इसी की मदद से इसके पंख तैयार होंगे, जैसे यहाँ पे बनाया है ऐसा रखना है, टच करना है वहाँ पे, ऐसे ऐसे। इस तरह से हो जाएगा। डार्क करके दिखा देता हूँ, थोड़ा लाइट दिखता है, कुछ इस तरह से। बाद में इसको थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, और ये छोटी काइट है जो दोनों बनाई है, इसी टूल से बनाई है, कुछ इस तरह से ऐसे रख के बनाई है ऐसे, और ये राउंड टूल की मदद से किया है, और इसको इसी की मदद से किया है, इसी की हेल्प से ऐसे किया है, पूरा ऐसे ही करना है, सिंपल है। अभी हम आउटलाइन कर दें, तो दोस्तों हम इसको अभी कलर कर लेंगे।
अभी यहाँ पे हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।